चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 5 के बारे में, जो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड्स के बारे में, जिसमें सेक्शन 18 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट वेलफेयर बोर्ड। तो हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट वेलफेयर जो बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है या फिर अपॉइंट करती है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है, और अदर 15% होते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एम्प्लॉयर्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स है उसके रिप्रेजेंटेटिव के इक्वल होते हैं। इसमें एक मेंबर जो है वो वुमन होती है। फिर उसके बाद सेक्शन 19 में बताया गया है सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ बोर्ड्स। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यानी कि CEO होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 20 है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। सेक्शन 21 है वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। सेक्शन 22 है फंक्शन ऑफ द बोर्ड। तो इसमें बताया गया है कि बोर्ड का क्या फंक्शन होता है। तो इनकेस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको इमीडिएट असिस्ट करने का बोर्ड का फंक्शन होता है, उसका काम होता है। फिर उसके बाद है कि अगर किसी पर्सन की 68 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तो उसका पेमेंट और पेंशन देने का भी बोर्ड का फंक्शन होता है, उसका काम होता है। फिर उसके बाद है कि होम लोन को सैंक्शन करना, ये भी बोर्ड का काम होता है। फिर उसके बाद है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो स्कीम है उसका पेमेंट करने का भी काम होता है। फिर उसके बाद है मेडिकल एक्सपेंसेस देना, वो भी बोर्ड का काम होता है। फिर उसके बाद है कि एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्ट करना, वो भी बोर्ड का काम होता है। फिर उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देना, ये बोर्ड का काम होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 23 है ग्रांट एंड लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद सेक्शन 24 है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये जो वेलफेयर फंड है ये भी बोर्ड के द्वारा ही कंस्टिट्यूट किया जाता है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस है टूवर्ड्स जो सैलरीज हो या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, तो एक फाइनेंशियल ईयर में ये 5% होता है, और इसका बजट और एनुअल रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन 25 है बजट। सेक्शन 26 है एनुअल रिपोर्ट। सेक्शन 27 है अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो इसमें बताया गया है कि बोर्ड का जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये अकाउंट के ऑडिट की जो कॉपी है और ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 6 के बारे में, जो है हावर्स ऑफ वर्क वेलफेयर मेजर्स एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स, जिसमें सेक्शन 28 है फिक्सिंग हावर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे। दोस्तों जैसा कि इसके पहले हमने फैक्ट्री एक्ट की बात की थी, तो फैक्ट्री एक्ट और BOCW एक्ट में ज्यादातर जो है वो सेम ही कंडीशन बताई गई है। तो यहाँ पर भी नॉर्मल वर्किंग डे जो है वो 9 hours का होता है, और एक वीक में वो 48 hours तक काम कर सकते हैं, जैसा कि फैक्ट्री एक्ट में भी था। और इसकी जो अथॉरिटी है वो अप्रोप्राइट जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से होती है, और यहाँ पर 7 दिन में 1 दिन का रेस्ट जो है वो देना अनिवार्य है। और अगर रेस्ट के दिन भी आपसे अगर काम कराते हैं तो उस रेस्ट डे में काम करने का जो मुआवजा है वो आपको ओवर टाइम का जो वेज रेट रहेगा उसके इक्वल में या फिर उससे ज्यादा देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 29 है वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क। तो इसमें ओवर टाइम रेट के बारे में बताया गया है। तो ओवर टाइम जो रेट है वो ऑर्डिनरी जो रेट रहेगा उसके डबल मल्टीपल रहेगा, और वेजेस का जो ऑर्डिनरी रेट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें बेसिक वेजेस होते हैं प्लस अदर जो इंटाइटल अलाउंसेस होते हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं, लेकिन इसमें बोनस को ऐड नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आपका ऑर्डिनरी जो रेट है वेजेस का वो निकलता है, और ओवर टाइम जो रेट है वो ऑर्डिनरी रेट के डबल होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 30 है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, और इसका जो रिकॉर्ड है और रजिस्टर जो है वो एम्प्लॉयर को मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 31 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टन पर्सन इन सर्टन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क।
फिर उसके बाद सेक्शन 32 है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर जो स्टेशन रहेगा वो लैट्रिन्स हो, यूरिनल्स हो, या फिर स्पिटून्स हो, या फिर वॉशिंग प्लेस हो, तो यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन जो है वो रखना है। यानी कि इससे 6 मीटर और 6 मीटर से ज्यादा का जो फासला है वो मेंटेन करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 33 है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि अगर 50 या फिर 50 से ज्यादा अगर पर्संस इम्प्लॉय है तो वहां पर एक सेपरेट यूरिनल्स जो है वो प्रोवाइड कराना है, या फिर लैट्रिन्स में अगर वाटर बोन सीवेज जो सिस्टम है वो अगर कनेक्टेड नहीं है तो वहां पर भी सेपरेट यूरिनल्स जो है वो प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद सेक्शन 34 है अकोमोडेशन के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन 35 है क्रेचेस के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जहां कहीं भी 50 फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स अगर ऑर्डिनरी वहां पर काम कर रहे हैं तो वहां पर क्रेचेस जो है वो प्रोवाइड कराना है, और वहां पर चिल्ड्रन जो है जिसकी एज 6 ईयर से ज्यादा नहीं है, यानी कि 6 ईयर से कम ही जिनकी एज है वो यहाँ पर रह सकते हैं, और क्रेचेस में एक महिला भी वहां पर रहेगी ताकि वो जो चिल्ड्रंस है उनकी देखभाल कर सके। फिर उसके बाद सेक्शन 36 है फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना ये इम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है, यानी कि इम्प्लॉयर ने फर्स्ट एड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद सेक्शन 37 है कैंटीन के बारे में। तो कैंटीन भी जो है वो इम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करानी है, लेकिन उसके जो रूल्स है वो फ्रेम किए जाएंगे जो भी अप्रोप्राइट गवर्नमेंट रहेगी उनकी तरफ से, और ये कैंटीन इम्प्लॉयर के द्वारा वहां पर प्रोवाइड की जाएगी जहां पर 250 या फिर उससे ज्यादा बिल्डिंग वर्कर्स जो है वो ऑर्डिनरी वहां पर काम कर रहे हो। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 7 के बारे में, जो है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स। तो इसमें सेक्शन 38 में बताया गया है सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जहां पर भी 500 या फिर 500 से ज्यादा अगर बिल्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हो तो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, और वहां पर सेफ्टी कमिटी जो है वो फॉर्म करनी है। सेफ्टी कमिटी में जो भी वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो उनकी जो संख्या है वो एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उसके इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 39 है नोटिस ऑफ सर्टन एक्सीडेंट्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जो एक्सीडेंट हो जिसमें बॉडी को इंजरी हुई हो या फिर डेथ हुई हो, या फिर वर्कर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो कि जिस एक्सीडेंट की वजह से वर्कर जो है वो 48 घंटे या फिर उससे ज्यादा जो है काम पर नहीं आ सकता है, तो ऐसे एक्सीडेंट का नोटिस यहाँ पर देना है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि अगर एक्सीडेंट में 5 लोगों की अगर डेथ हो जाती है या फिर उससे ज्यादा लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो जब ये नोटिस रिसीव होता है तो उससे ठीक 1 महीने के अंदर ही इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 40 है पावर ऑफ एप्रोप्राइट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ बिल्डिंग वर्कर। फिर उसके बाद सेक्शन 41 है फ्रेमिंग ऑफ मॉडल रूल्स फॉर सेफ्टी मेजर्स। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 8 के बारे में, जो है इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो इसमें सेक्शन 42 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। तो इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गैजेटेड ऑफिसर होते हैं और उनको एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन करके अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गैजेटेड जो ऑफिसर है उसको इंस्पेक्शन के लिए एज अ चीफ इंस्पेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो भी अप्रोप्राइट गवर्नमेंट है, अप्रोप्राइट गवर्नमेंट यानी कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो जो भी नंबर ऑफ ऑफिसर्स है उनको एज अ इंस्पेक्टर करके जो है अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो तीनों है यानी कि डायरेक्टर जनरल हो गए, चीफ इंस्पेक्टर हो गए और इंस्पेक्टर हो गए, ये तीनों के तीनों जो है ये पब्लिक सर्वेंट है। और फिर उसके बाद सेक्शन 43 है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स के बारे में। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 9 के बारे में, जो है स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें सेक्शन 44 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स। फिर उसके बाद सेक्शन 45 है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कंपनसेशन। तो इसमें बताया गया है
कि पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए एम्प्लॉयर जो है वो जिम्मेदार है, और इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंपनसेशन देने में अगर फेल हो जाता है तो उसकी जगह पर एम्प्लॉयर जो है वो वहां पर लायबल हो जाता है उस पेमेंट को देने में या फिर उस कंपनसेशन को देने में, और एम्प्लॉयर को ये जो कंपनसेशन है जो कॉन्ट्रैक्टर फेल हुआ है वो देने में, तो उसको देना है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के प्रोविजन के अनुसार। और बाद में ये जो कंपनसेशन है जो एम्प्लॉयर देता है ये फिर वो कॉन्ट्रैक्टर की ओर से बाद में रिकवर कर सकता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 46 जो है नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयर जो है वो इंस्पेक्टर को 30 दिन पहले यानी कि कमेंसमेंट होने के 30 दिन पहले जो है वो नोटिस देगा। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 10 के बारे में जो है पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर। तो इसमें सेक्शन 47 है पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स, यानी कि इसमें बताया गया है कि सेफ्टी मेजर्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर क्या पेनाल्टी हो सकती है। तो इसमें दिया गया है कि मैक्सिमम जो जेल है वो 3 महीने तक हो सकती है, या फिर मैक्सिमम फाइन जो है वो 2000 तक यहाँ पर होता है, या फिर ये दोनों भी हो सकती है। इसके अलावा अगर ये कॉन्ट्रावेंशन यानी कि अगर उल्लंघन अगर कंटिन्यू अगर होता है तो उसके लिए 100 रुपीज पर डे देने होंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 48 है पेनाल्टी फॉर फेलर टू गिव नोटिस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि इसमें बताया गया है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का अगर कमेंसमेंट उसका जो नोटिस है अगर वो देने में अगर फेल हो जाते हैं तो उसका पेनाल्टी क्या हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि इसका उल्लंघन करने पर मैक्सिमम 3 साल की जेल हो सकती है, या फिर मैक्सिमम फाइन जो है वो 2000 तक हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 49 है पेनाल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि कोई अगर काम में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या फिर जानबूझकर उसको रिफ्यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या पेनाल्टी होगी ये इसमें बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम जेल जो है वो 3 महीने की हो सकती है और फाइन जो है वो 1000 तक हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 50 है पेनाल्टी फॉर अदर ऑफेंसेस, यानी कि सेफ्टी के अलावा अगर दूसरा कोई अगर ऑफेंस होता है तो उसके ऊपर क्या पेनाल्टी हो सकती है। तो उसके ऊपर मैक्सिमम जो फाइन है वो 1000 रुपये का रहेगा, और अगर ये ऑफेंस जो है वो अगर कंटिन्यू अगर होता है तो 100 रुपये पर डे जो है वो देने होंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 51 में बताया गया है अपील के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो भी पर्सन सेक्शन 50 का अगर उल्लंघन करता है तो उसमें जैसे बताया गया है कि 1000 जो है वो मैक्सिमम फाइन होगा, और अगर ये कंटिन्यू अगर ये ऑफेंस रहेगा तो 100 रुपीज जो है वो पर डे देने होंगे। तो ये जो फाइन है जो उसके ऊपर लगाया है वो अगर बेफजूल है ऐसा उसको अगर लगता है तो उसके अगेंस्ट में वो अपील भी कर सकता है, और ये जो अपील है ये वो 3 महीने के अंदर उसको करनी है। तो वो जो अपील है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कर सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी कर सकता है। अगर उसको फाइन जो है वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा इम्पोज किया गया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है इसकी अपील कर सकता है, या फिर उसको जो फाइन है वो डायरेक्टर जनरल की तरफ से अगर इम्पोज हुआ है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी अपील कर सकता है। और ये जो अपील है ये इसको 3 महीने के अंदर करनी होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश वो अगर इस 3 महीने के अंदर ये अपील अगर नहीं करता है तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है उसमें भी वो अपील कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सेटिस्फैक्टरी उसका रीजन देना होगा कि क्या रीजन की वजह से उसने इतना लेट किया। फिर उसके बाद सेक्शन 52 है रिकवरी ऑफ पेनाल्टी, सेक्शन 53 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सेक्शन 54 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ दी फर्स्ट क्लास उसके इक्वल में है या फिर उससे सुपीरियर है तो उसके पास इस ऑफेंस के पनिशेबल के लिए ट्राई कर सकते हैं जो भी इस एक्ट के अंडर आता है, लेकिन इसकी जो कंप्लेंट है ये डायरेक्टर जनरल या फिर चीफ इंस्पेक्टर की ओर से विथिन 3 मंथ्स जो है वो जानी चाहिए, यानी कि ये जो ऑफेंस है जब डायरेक्टर जनरल या फिर चीफ इंस्पेक्टर के नॉलेज में आता है तो वहां से 3 महीने के अंदर जो है इन्होंने कंप्लेन करना है, तभी इस एक्ट के तहत ये जो ऑफेंस है इसको पनिश किया जाएगा।
फिर उसके बाद है सेक्शन 55 जो है लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस के बारे में। चलिए अब जानते हैं बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 के चैप्टर 11 के बारे में जो है मिसलेनियस। तो इसमें सेक्शन 56 है डिलीगेशन ऑफ पावर्स, सेक्शन 57 है रिटर्न्स, सेक्शन 58 है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू बिल्डिंग वर्कर्स, सेक्शन 59 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सेक्शन 60 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। तो इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सके और वो भी सेफ्टी के एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। फिर उसके बाद है सेक्शन 61 जो है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो इसमें बताया गया है कि जो भी डिफिकल्टीज है उसको रिमूव करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 62 जो है पावर टू मेक रूल्स। तो इसमें बताया गया है कि इसकी जो अथॉरिटी है ये अप्रोप्राइट गवर्नमेंट के पास होती है। अब ये जो अप्रोप्राइट गवर्नमेंट यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। फिर उसके बाद है सेक्शन 63 जो है सेविंग ऑफ सर्टन लॉज, सेक्शन 64 है रिपील एंड सेविंग। तो इस प्रकार बीओसी एक्ट 1996 में टोटल 11 चैप्टर्स हमने यहाँ पर देखे हैं और टोटल 64 सेक्शन के बारे में हमने जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।